बोल गणपति देव महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके श्री त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। अब की बार चैत्र नवरात्रे शुरू होने से अब कुछ दिन बाकी हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से नवरात्रि का पर्व आरंभ होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और नवमी तिथि 21 अप्रैल को पड़ेगी। नवरात्रि व्रत का पारण 10वीं तिथि 22 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घट स्थापना के दिन मन रहे हैं ये शुभ योग। इस साल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ग्रहों के शुभ संयोग से विशेष योग का निर्माण हो रहा है। प्रतिपदा की तिथि में विश्वकंभ और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन विश्वकंभ योग दोपहर 3:16 तक रहेगा। प्रीति योग का आरंभ होगा करण भव सुबह 10:17 तक, उसके बाद बालो और रात 11:31 तक रहेगा। दिन मंगलवार, तिथि 13 अप्रैल 2021, शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से लेकर सुबह 10:14 तक, अवधि 4:15। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक। 13 अप्रैल को अश्वनी नक्षत्र और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और बढ़ेगी नवरात्रि की शुभ और महानता। इस प्रकार से नवरात्रि इस तरह से मनाए जाए, माँ दुर्गा की पूजा की जाए और हर तरह से माँ भगवती की पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण की जाए और हर तरह से ये नवरात्रि सबके लिए शुभ रहे। यही मंगल कामना के साथ माँ भगवती का गुणगान करते हुए माँ का जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति, शांति।